उनका रीज़न ये था सुसाइड का कि लाइक फाइनेंशियली वो लोग डिप्रेस्ड है। आई होप कि लूजिंग स्ट्रिक थोड़ा लेट आए, और हमने अच्छा खासा पैसा बना लिया है इस मंथ, लास्ट मंथ, और ओवरऑल मैंने मस्त पैसा बना चुका हूँ मैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सभी लोग बढ़िया होंगे। अभी मैं बाहर बैठा हुआ हूँ, मेरा ट्रेड वगैरह आज का हो गया है। आज मेरा थोड़ा वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, बट फिर भी मैंने चलो आज बनाया, क्योंकि मुझे कंसिस्टेंटली हर दिन वीडियोज़ अपलोड करने हैं और वही मेरा गोल है कि मैं हर दिन वीडियोज़ अपलोड करते रहूँ और हर दिन आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाते रहूँ। मुझे कल परसों में 2-3 फ़ोन कॉल्स आए थे, उसके अंदर ना कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि ऐसे बात कर रहे थे कि लाइक हम लाइफ में हार चुके हैं ऐसा वैसा, और हम सुसाइड करने का ऐसा वैसा बोल रहे थे। ठीक है, सो उनका रीज़न ये था सुसाइड का कि लाइक फाइनेंशियली वो लोग डिप्रेस्ड है, और कॉलेज से भी कॉलेज में भी वो लोग ठीक ठाक नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो मेरे को ऐसे कॉल्स बहुत बार आते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो इसका एक आंसर जो है हम डायरेक्टली यूट्यूब पे ही दे दे। बहुत बार ना आप लोगों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होगी, आपको लगेगा कि आप लाइफ में अभी कुछ नहीं कर पाओगे, या आप जो भी चीज़ करना चाहते हो वो आप फेल हो जाओगे उस चीज़ में। जैसे कि आप कॉलेज करना चाहते हो, आप फाइनेंशियली वो कॉलेज नहीं कर पाए, या फिर कोई दूसरे रीज़न की वजह से आप उस कॉलेज को कंप्लीट नहीं कर पाते, तो आपको लगता है कि अभी मैं कॉलेज कंप्लीट नहीं कर पाया तो मेरी लाइफ का क्या होगा, अभी मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा ऐसा वैसा, तो ये सब चीज़ें आप सोचने लग जाते हो। तो मेरा सजेशन उन लोगों के लिए यही रहेगा कि जब ना भगवान आपके लिए एक रास्ता बंद करता है, तो उसको पता होता है कि उसने ये रास्ता बंद किया है, तो उसके पास होता है एक दूसरा रास्ता जो कि इससे भी बढ़िया होता है। बट आप लोग क्या करते हो, पता है, उस रास्ता बंद होने के बाद आप डायरेक्ट सोचने लग जाते हो कि नहीं यार, अब तो कुछ नहीं होगा, अब तो लाइफ ख़त्म है ऐसा वैसा। तो मेरा सजेशन आप लोगों को यही रहेगा कि मेरे लाइफ में भी ना एक टाइम पे ऐसा ही टाइम था कि जब मैं कॉलेज करने गया और फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो कॉलेज नहीं कम्प्लीट कर पाया, फिर मैंने दूसरी बार फिर से कॉलेज करने गया, फिर से दूसरी बार मैं फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से कॉलेज नहीं कम्प्लीट कर पाया, फाइनेंशियली मेरे पास पैसे वगैरह नहीं थे, इसलिए दूसरी बार भी नहीं कंप्लीट कर पाया। तो मुझे भी ऐसे लगने लगा था कि साला मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊँगा ऐसा वैसा। बट आज जब मैं मेरी लाइफ को पीछे जाके देखता हूँ ना कि पीछे जो चीज़ें मेरे साथ हुई थी वो सही है कि गलत हुई थी, तो मैं 100% कहूँगा कि जो पीछे चीज़ें हुई, अगर वो उस तरीके से नहीं होती तो आज मैं यहाँ पर कभी नहीं पहुँचता। तो जब आपके साथ अभी अगर कुछ बुरा हो रहा है तो खुश रहो, डोंट वरी, वो जो बुरा हो रहा है उसका कुछ ना कुछ रीज़न होगा, और वो रीज़न अच्छा ही होगा, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। बट सिर्फ आपको क्या करना है, दूसरे लोग जो भी आपके साथ है उनके साथ कभी बुरा नहीं करना है, या आप जो जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो वो फील्ड बुरी नहीं होनी चाहिए। आप गलत कुछ काम मत करके पैसा कमाओ, आप सही काम करके, छोटा कम पैसा कमा रहे हो तब भी चलेगा, बट सही काम करके पैसा कमाओ, आपके साथ कभी भी बुरा नहीं होगा। आप किसी के साथ बुरा मत करो, आपके साथ बुरा नहीं होगा, आप ठीक तरीके से पैसा कमाओ। दूसरे लोगों को भी, जो भी आप जिस भी चीज़ में लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उस चीज़ में आप लोगों के साथ ऑनेस्ट रहो, तो वो चीज़ होनी चाहिए। अगर वो चीज़ आप करते हो तो भाई आपके लिए ऊपर वाले ने प्लान करके रखा है, वो ऑलरेडी होगा, और आपके साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं होगा। और हाँ, लाइफ में कभी भी ना फेल्यूर नहीं होता भाई, ठीक है। अभी आप लाइफ में सिर्फ दो ही चीज़ें हमें पता होती है, एक तो पैदा होना, एक मरना। उसके बीच में का जो टाइम होता है उसमें तो यार फेल्यूर नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। या तो आप सीखोगे या तो आप जीतोगे, बस दो ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। या तो आप सीखोगे या तो आप जीतोगे, फेल्यूर नाम का कुछ नहीं होता। सो डोंट वरी, ठीक है, आप कुछ फेल भी नहीं हुए हैं तो मोटिवेटेड रहो, डोंट वरी, इतना कुछ टेंशन मत लो। अभी आज का जो ट्रेड है मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई आज का ट्रेड जो है मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने एसी स्टार्ट किया तो साला वो ना जल्दी ठंडा नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा गर्म हो रहा है मुझे यहाँ पे, बट ठीक है कोई बात नहीं। अभी मैं आपको ना यहाँ पे मेरा जो आज का ट्रेड है वो दिखा देता हूँ, आज का किस तरीके से मैंने ट्रेड लिया था और आज क्या हुआ है 100 डेज चैलेंज के अंदर भी, और ओवरऑल भी हमारा ट्रेड के अंदर क्या हुआ है वो आज मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। और हाँ, धीरज ने जो है 50,000 का मार्क टच कर दिया है। धीरज जो है 50,000 प्लस प्रॉफिट में है ओवरऑल। मैं उसका भी PNL आप लोगों को दिखाता हूँ, और अभी आप लोगों को जो है मेरा आज का क्या ट्रेड रहा है और किस तरीके से आज मैंने ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस क्या रहा है मेरा आज, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। आज के मार्केट के अंदर क्या हुआ कि मार्केट ने एक गैप डाउन ओपन किया। गैप डाउन ओपन होने के बाद मैंने यहाँ पे ट्रेड पंच किया, और यहाँ पे ट्रेड पंच करने के बाद ना मार्केट स्ट्रेट अप गया, नीचे गया, दोनों तरफ के एसएलएस के आज बैंड बजा दी मार्केट ने। बट जब मार्केट यहाँ पे कूल डाउन हुआ तब मैंने मेरा जो एक ट्रेड है वो पंच किया नॉन डायरेक्शनल, और यहाँ पे मैंने ओवरऑल मेरा लॉस जो है रिकवर किया थोड़ा बहुत। आज मॉर्निंग में ही मुझे लॉस हो गया था और इसके बाद मुझे थोड़ा सा रिकवर करना पड़ा, क्योंकि मैं हमेशा एक ट्रेड लास्ट के लिए रखता हूँ जो कि मुझे थोड़ा बहुत रिकवर कर दे उसके लिए।
तो मैं हमेशा मॉर्निंग में ही मेरे सारे पत्ते नहीं खोल देता हूँ, मैं कुछ पत्तों को रखता हूँ जो कि मैं एंड में ओपन करूँगा जब मुझे दिख जाएगा कि सिनेरियो क्या है। तो इस हिसाब से मेरा हमेशा ट्रेडिंग होता है और मैं पूरा का पूरा रिस्क एक साथ नहीं लेके चलता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 0.5% का रिस्क लूंगा, यहाँ पे 0.5% का रिस्क लूंगा और यहाँ पे 0.5 का रिस्क लूंगा। तो इस तरीके से मैं रिस्क लेके चलता हूँ। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ओवरऑल आज का जो 100 डेज चैलेंज है उसके अंदर जो लॉस है 644 रुपीज़ का ओवरऑल लॉस हुआ है। इसके अंदर भी मुझे लास्ट में कवर करना पड़ा था और दूसरा अकाउंट जो है उसके अंदर भी मेरा सेम ही ट्रेड हुए थे आज दोनों अकाउंट में। दोनों अकाउंट्स को मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैंने सेम तरीके से ट्रेड किया था दोनों अकाउंट में। मैंने क्या किया था, मॉर्निंग में मैंने जो है डायरेक्शनल ट्रायंगल यूज किया और डायरेक्शनल ट्रायंगल मैंने इसलिए यूज किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ा कुछ मोमेंटम आ सकता है, बट मोमेंटम क्या हुआ कि दोनों तरफ आ गया और उस वजह से आज जो है ओवरऑल मेरे दोनों तरफ के एसएल हिट हो गए क्योंकि एसएल बहुत पास के थे। मैंने क्या किया था, ओटीएम ओटीएम का सीपी सेल कर दिया और उसके बाद उसके अंदर जो स्टॉप लॉस है वो 20-20% का स्टॉप लॉस लगा दिया। जैसे ही 20-20% का स्टॉप लॉस लगाया, वो जैसे ही मैंने ट्रेड लिया उसकी कुछ देर बाद ही दोनों तरफ का स्टॉप लॉस हिट और ट्रेड क्लोज हो चुका था। तो मेरा जो मॉर्निंग में ही लॉस हो गया, बट आज का ओवरऑल लॉस मेरा कुछ इतना नहीं है, मैं आप लोगों का भी दिखा देता हूँ। मेरा ओवरऑल लॉस जो है वो 1626 रुपीज़ का ओवरऑल लॉस है जो कि 6 लाख रुपीज़ के ऊपर बहुत ही कम है और आज का 1.5 लाख रुपये के अकाउंट के ऊपर जो लॉस हुआ है वो 644 रुपीज़ का लॉस है जो कि 1% से बहुत ज़्यादा कम है। तो आज का जो लॉस है कुछ इतना हुआ नहीं है, सो कुछ डरने वाली बात नहीं है, इजीली कवर हो सकता है लॉस। और हमारा लगातार विनिंग स्ट्रिक चल रहा था और एक छोटे से लॉस से हमने आज क्लोज किया है वो बहुत ही बढ़िया है क्योंकि लगातार विनिंग स्ट्रिक के बाद लूजिंग स्ट्रिक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आई होप कि लूजिंग स्ट्रिक थोड़ा लेट आए। और हमने अच्छा खासा पैसा बना लिया है इस मंथ, लास्ट मंथ, और ओवरऑल मैंने मस्त पैसा बना चुका हूँ मैं। तो अभी आप लोगों को मैं धीरज का पीएनएल दिखाता हूँ। धीरज ने ओवरऑल 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बना लिया है। अराउंड 1.5 लाख रुपये के कैपिटल से वो ट्रेड कर रहा था स्टार्टिंग में, उसके बाद उसने 3 लाख का कैपिटल किया था 7-8 दिन के लिए, उसके बाद फिर से उसने 1.5 लाख का कैपिटल किया था, उसको कैमरा लेना था इसलिए फिर उसने 3 लाख का किया। तो ऐसा डेढ़ तीन ऐसे करते रहा था वो। तो ओवरऑल उसका अभी जो पीएनएल है वो 50,000 रुपीज़ का उसका प्रॉफिट हो चुका है और इतने दिनों तक उसने ओवरऑल ट्रेड किया है जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से बंदा जो है ट्रेड कर रहा है कंसिस्टेंटली। बीच में कुछ दिनों इसने ट्रेड नहीं किया था क्योंकि तब उस वक्त उसने अकाउंट में से जो अपना कैपिटल है वो विड्रॉ किया था, तो बीच में कुछ कुछ दिन इसने ट्रेड नहीं किया। अगर उस वक्त भी ट्रेड करते रहता तो 70-80,000 तक ओवरऑल उसका प्रॉफिट रहता। तो ये जो स्टूडेंट है मेरा, इसने मेरी जो पर्सनल स्ट्रेटेजी है जिसके ऊपर आपको इस अकाउंट का जो पीएनएल दिखता है वो जो स्ट्रेटेजी है वो ये स्टूडेंट फॉलो करता है। और स्ट्रेटेजी मेन नहीं है, मेन मेरा रिस्क मैनेजमेंट है जो स्ट्रेटेजी के अंदर मैंने लगाया हुआ है और इसी वजह से जो अभी आप देख रहे हो तो ओवरऑल ये रिजल्ट है उसका। अगर आप लोगों को भी मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी चाहिए हो और आप लोगों को मेरा मेंटरशिप ज्वाइन करना है तो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया गया है उसके ऊपर कॉल करके आप सारी डिटेल्स जो है वो ले सकते हो, या तो उसके ऊपर व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए और आपको सारी डिटेल्स जो है मिल जाएंगी। हमारे ऑफलाइन बैचेज भी कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं, तो अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप लोगों को ऑनलाइन ज्वाइन करनी है तो आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो अभी आज का वीडियो जो है हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।